हेलो दोस्तों, मैं हूं तुहिन और आप देख रहे हैं हाईटेक ब्रो। आज इस वीडियो में मैं आपको दिखाने वाला हूं पांच सबसे अच्छा कैमरा 3 लाख रुपए के अंदर। अगर आप एक नया कैमरा लेने का सोच रहे हैं और आपका बजट 3 लाख रुपए है तो इस वीडियो को आखिर तक देखिए, क्योंकि मैं आपको बता दूंगा कौन सा कैमरा आपके लिए बेस्ट होने वाला है 3 लाख रुपए के अंदर। और आपको इस वीडियो में DSLR से लेके मिररलेस कैमरा भी मिल जाएगा। तो इस वीडियो में आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले जो कैमरा हमारे लिस्ट में है वो ओलंपस की तरफ से है। उसका नाम है ओलंपस OMD M1 Mark III। ये कैमरा आता है बिल्ट इन 5-axis इमेज स्टेबलाइजेशन के साथ। उसके साथ 20.4 मेगापिक्सल का लाइव एमओएस सेंसर और ये आता है ट्रूपिक 9 का इमेज प्रोसेसर के साथ। उसके साथ ये कैमरा स्प्लैश डस्ट और फ्रीज प्रूफ है और ये आता है डस्ट रिडक्शन सिस्टम के साथ। और आपको इसमें मिल जाएगा USB Type-C चार्जिंग और ये कैमरा आता है 121 क्रॉस टाइप ऑटोफोकस पॉइंट के साथ। और आपको इसमें मिलता है मल्टी सिलेक्टर और आपको इस कैमरा मिलता है 18 FPS का कंटिन्यूस शूटिंग जो कि आता है ऑटोफोकस ट्रैकिंग के साथ। अब वीडियोस के बारे में बात करें तो आप इस कैमरा से 4K वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं 30 FPS में और फुल HD वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं 120 FPS में। उसके साथ आपको इसे मिल जाएगा 3 इंच का वेरी एंगल LCD टच स्क्रीन। अब ISO रेंज के बारे में बात करें तो आपको इसे मिलता है 200 से लेके 25600 तक ISO रेंज। अब बैटरी लाइफ के बारे में बात करें तो आपको इस कैमरे में नॉर्मल मोड में 420 शॉट्स का बैटरी लाइफ मिलता है और क्विक स्लिप मोड में 900 शॉट्स का बैटरी लाइफ मिल जाएगा। अब प्राइस के बारे में बात करें तो ओलंपस का ये कैमरा आपको मिल जाएगा 2,08,000 रुपए के अंदर। अगर आप ओलंपस का एक कैमरा खरीदना चाहते हैं और हमारे लिस्ट में दिखाए गए किसी भी और कैमरे के बारे में चेक करना चाहते हैं और खरीदना चाहते हैं तो उन सबका बेस्ट बाय लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। अगर आप हमारे दिए लिंक से खरीदते हैं तो हमारे चैनल को थोड़ा सपोर्ट मिल जाता है ऐसी और वीडियो बनाने के लिए। तो अगर आपको कोई भी कैमरा खरीदना है तो हमारा डिस्क्रिप्शन जरूर चेक कीजिए। अब इसके बाद जो कैमरा है वो निकॉन की तरफ से है। उसका नाम है निकॉन G6। ये कैमरा आता है कॉम्पैक्ट बॉडी के साथ और आपको इसे मिलता है लार्ज जी माउंट और ये आता है 24.5 मेगापिक्सल का FX फॉर्मेट सेंसर के साथ। उसके साथ एक्सपीड 6 का इमेज प्रोसेसर। अब ISO रेंज के बारे में बात करें तो आपको इसे मिल जाएगा 100 से लेके 51200 तक ISO रेंज। अब वीडियोस के बारे में बात करें तो आप इस कैमरा से 4K वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं 30 FPS में और फुल HD वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं 120 FPS में। और ये कैमरा आता है इलेक्ट्रिक व्यू फाइंडर के साथ और आपको इसे मिलता है 273 ऑटोफोकस पॉइंट और आई डिटेक्शन ऑटोफोकस। और ये कैमरा आता है 12 FPS का कंटीन्यूअस शूटिंग के साथ। उसके साथ आपको इसमें मिल जाएगा 5-axis इमेज सेंसर चिप और ये आता है 3.2 इंच का टिल्टिंग टच स्क्रीन के साथ। उसके साथ बिल्ट इन वाईफाई और ब्लूटूथ। अब बैटरी लाइफ के बारे में बात करें तो आपको इसमें मिल जाएगा 310 शॉट्स का बैटरी लाइफ। अब प्राइस के बारे में बात करें तो निकॉन का ये कैमरा आपको मिल जाएगा 2,60,000 रुपए के करीब। अब इसके बाद जो कैमरा है फूजी फिल्म की तरफ से है। उसका नाम है फूजी फिल्म X100V। आपको इसे मिलता है 26.1 मेगापिक्सल का APS-C एक्सट्रैम सीमोस 4 सेंसर। उसके साथ आपको इसे मिलता है 80 से लेके 51200 तक ISO रेंज। उसके साथ आपको इसे मिलता है एक्स प्रोसेसर 4 का इमेज प्रोसेसर और ये आता है 425 ऑटोफोकस पॉइंट के साथ। उसके साथ आपको इसे मिल जाएगा 11 FPS का कंटिन्यूस शूटिंग मैकेनिकल शटर को यूज करके और 20 FPS का कंटिन्यूस शूटिंग इलेक्ट्रिक शटर को यूज करके। अब वीडियोस के बारे में बात करें तो आप इस कैमरा से 4K वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं 30 FPS में और फुल HD वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं 120 FPS में। और ये कैमरा आता है OLED इलेक्ट्रिक व्यू फाइंडर के साथ। उसके साथ 3 इंच का टिल्टिंग टच स्क्रीन। अब कनेक्टिविटी के बारे में बात करें तो आपको इसमें मिलता है बिल्ट इन वाईफाई और ब्लूटूथ 4.2। अब बैटरी लाइफ के बारे में बात करें तो आपको इसमें मिल जाएगा 420 शॉट्स का बैटरी लाइफ। अब प्राइस के बारे में बात करें तो फूजी फिल्म का ये कैमरा आपको मिल जाएगा 3 लाख रुपए के अंदर और ये आता है 2 साल के वारंटी के साथ। अब इसके बाद जो कैमरा है वो कैनन की तरफ से है। उसका नाम है कैनन EOS 6D Mark II। ये कैमरा आता है कॉम्पैक्ट और लाइट वेट डिजाइन के साथ और आपको इसमें मिल जाएगा 26.2 मेगापिक्सल का फुल फ्रेम सीमोस सेंसर और ये आता है DIGIC 7 का इमेज प्रोसेसर के साथ। और आपको इसमें मिल जाएगा 100 से लेके 40,000 तक ISO रेंज और ये आता है 3 इंच का वेरी एंगल टच स्क्रीन के साथ। उसके साथ आपको इसमें मिलता है 45 ऑल क्रॉस टाइप वाटर फोकस पॉइंट और ये आता है 6.5 FPS का कंटिन्यूस शूटिंग के साथ। अब वीडियोस के बारे में बात करें तो आप इस कैमरा से 4K टाइम लैप्स ले सकते हैं। उसके साथ आप इससे फुल HD वीडियो भी ले सकते हैं 60 FPS में और ये कैमरा आता है डस्ट एंड ड्रिप रेजिस्टेंट के साथ। आप कनेक्टिविटी के बारे में बात करें तो आपको इसमें मिलता है बिल्ट इन वाईफाई NFC और ब्लूटूथ और आपको इसमें मिल जाएगा GPS फंक्शन। अब बैटरी लाइफ के बारे में बात करें तो आपको इसमें मिलता है 1200 शॉट्स का बैटरी लाइफ। अब प्राइस के बारे में बात करें तो कैनन का ये कैमरा आपको मिल जाएगा 2,18,000 रुपए के अंदर। अब सबसे आखिर में हमारे लिस्ट का नंबर एक कैमरा बताने से पहले, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल हाईटेक ब्रो को सब्सक्राइब नहीं किया है तभी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आप में से 99% लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो एक लाइक जरूर कर देना और अगर आप आगे भी हमारा वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल हाईटेक ब्रो को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, सब्सक्रिप्शन एकदम ही फ्री है। अब इसके बाद जो DSLR कैमरा हमारे लिस्ट में है वो सोनी की तरफ से है। उसका नाम है सोनी अल्फा ILC7RM4A। आपको इसे मिलता है 61 मेगापिक्सल का फुल फ्रेम XMOD R CMOS सेंसर। उसके साथ बियॉन्ड X का इमेज प्रोसेसिंग इंजन
और इस कैमरे में आपको मिलता है इन बॉडी 5 एक्सिस इमेज स्टेबलाइजेशन और उसके साथ आपको इसे मिलता है OLED ट्रू फाइंडर और ये कैमरा आता है 567 पॉइंट का फास्ट हाइब्रिड ऑटोफोकस के साथ और आपको इसे मिलता है 10fps का कंटिन्यूस शूटिंग मैकेनिकल शटर को यूज करके और 20fps का कंटिन्यूस शूटिंग इलेक्ट्रिक शटर को यूज करके और ये आता है रियल टाइम ट्रैकिंग के साथ और इसका रियल टाइम आई ऑटोफोकस एनिमल्स के ऊपर भी काम करता है। अब वीडियोस के बारे में बात करें तो आप इस कैमरे से 4K वीडियो रिकॉर्ड कर सकते 30fps में और फुल HD वीडियो रिकॉर्ड कर सकते 120fps में। अब ISO रेंज के बारे में बात करें तो आपको इसे मिलता है 100 से लेके 32,000 तक ISO रेंज और ये कैमरा आता है 3 इंच का टिल्टिंग टच स्क्रीन के साथ। अब कनेक्टिविटी के बारे में बात करें तो आपको इसे मिलता है बिल्ट इन Wi-Fi, ब्लूटूथ और NFC। अब बैटरी लाइफ के बारे में बात करें तो आपको इसे मिलता है 670 शॉट्स का बैटरी लाइफ। अब प्राइस के बारे में बात करें तो सोनी का ये कैमरा आपको मिल जाएगा 275,000 रुपए के अंदर और ये आता है 2 साल के वारंटी के साथ। अब सबसे आखिर में बात करें कौन सा कैमरा आपको लेना चाहिए। अगर आप 3 लाख रुपए के अंदर सबसे अच्छा मिररलेस कैमरा लेना चाहते हैं तो आपको लेना चाहिए सोनी का कैमरा, क्योंकि आपको इसे मिलता है 61 मेगापिक्सल का फुल फ्रेम सेंसर, उसके साथ आपको इसे मिलता है एडवांस ऑटोफोकस और ट्रैकिंग और आप इस कैमरा से 4K वीडियो भी रिकॉर्ड कर सकते हैं 30fps में। उसके साथ आपको इसे मिलता है अच्छा इमेज स्टेबलाइजेशन और इसका बैटरी लाइफ भी अच्छा है। तो अगर आपको एक मिररलेस कैमरा चाहिए 3 लाख रुपए के अंदर तो आप ले सकते हैं सोनी का अल्फा ILC7R M4A को। लेकिन अगर आप एक DSLR कैमरा लेना चाहते हैं 3 लाख रुपए के अंदर तो आपको लेना चाहिए कैनन का 6D Mark II को, क्योंकि आपको इसे मिलता है फुल फ्रेम CMOS सेंसर, उसके साथ इसका ISO रेंज भी अच्छा है और आपको इसे मिलता है 1200 शॉट्स का बैटरी लाइफ और ये आता है डस्ट और ड्रिप रेजिस्टेंट के साथ, तो आप इस कैमरे को आउटडोर भी यूज कर सकते हैं। लेकिन आपको इसमें 4K रिकॉर्डिंग नहीं मिलता है, आप बस फुल HD वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं। तो यही था हमारे इसका 5 सबसे अच्छा कैमरा 3 लाख रुपए के अंदर। आपको इन सारे कैमरे का बेस्ट बाय लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ पे जाके किसी भी कैमरे को चेक कर सकते हैं, खरीद सकते हैं। और अगर आपका बजट कम है, आप 1 लाख रुपए के अंदर सबसे अच्छा DSLR कैमरा लेना चाहते हैं, तो उस वीडियो का भी लिंक आपको मिल जाएगा आई बटन में, आप वहाँ पे जाके वो भी देख सकते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो एक लाइक जरूर कर देना और कमेंट में बताइए आपको कौन सा कैमरा बेस्ट लगता है 3 लाख रुपए के अंदर। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल हाईटेक ब्रो को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिए। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही, आप सबसे फिर से मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।